नगर गुगांव में अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एवं ईद मिलादुन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह पुलिस प्रशासन एवं सद्भावना समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नगर के मुख्य मार्गों एवं गलियों में शांति मार्च निकाला गया। त्योहारों को देखते हुए नगर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। फैसले के पूर्व नगर में हस्ताक्षर और समन्वय अभियान चलाया गया था, जिसको सभी ने सराहा एवं इस अभियान को भरपूर समर्थन मिला। नगर में शांतिपूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। गोगावा सद्भावना समिति के सदस्यों ने बताया कि नगर में होने वाले सभी उत्सव शांति एवं सौहार्द पूर्वक मनाए जाएंगे। हम उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं एवं इसी प्रकार सतर्कता व शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इस अवसर पर खरगोन जिला अपर कलेक्टर MM कनेल, अनुविभागीय दंडाधिकारी अभिषेक गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने, गोगावा तहसीलदार चरणजीत सिंह हुड्डा, नायब तहसीलदार विजेंद्र कटारे, थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े सहित अन्य पदाधिकारी एवं सद्भावना समिति के सदस्य उपस्थित थे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि अपन सब लोगों ने देखा है कि लगातार जो है समन्वय बना रहा, इसमें पत्रकारों की भूमिका, दोनों समाजों की भूमिका, सामाजिक संगठनों की भूमिका, सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो पिछले तकरीबन एक महीने से लगातार लोगों के सबके प्रयास रहे हैं ताकि फैसला कोई भी हो, किसी भी पक्ष के संबंध में हो, लेकिन सब लोग शांति समन्वय बनाए रखेंगे। और उसी का परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ना सिर्फ गोगांव में बल्कि पूरे ज़िले के साथ में पूरे देश में बहुत अच्छे से जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है और सभी जगह अमन चैन की स्थितियाँ हैं। सारे बाजार जो हैं सामान्य रूप से खुल गए हैं, सारी गतिविधियाँ सामान्य रूप से चल रही हैं। इसके लिए सभी लोगों का हम जो है प्रशासन की ओर से धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था, त्यौहार थे वो सभी को पहले से मालूम ही थे और यहाँ के लोगों ने पिछले एक महीने में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो समन्वय स्थापित किया और समय समय पर आप लोगों के द्वारा जनता में मैसेज किए गए शांति के, सद्भाव के, आपसी भाईचारे के, सभी के प्रयासों के माध्यम से पत्रकारों ने भी कुछ प्रयास किए, सभी के जो सम्मिलित प्रयास थे आज हम देख रहे हैं कि कल तक डिसीजन को ना केवल गोगावा खरगोन बल्कि पूरे देश ने स्वीकार किया, सहर स्वीकार किया है। और आज मिलादुल नबी का जो त्यौहार है उसको भी सभी लोग बड़े उत्साह के साथ सभी पक्ष मिलकर मना रहे हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, खरगोन में और गोगावा जो सद्भाव रैली होती है, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग उपस्थित थे। तो इस प्रकार के जो आप लोगों के प्रयास थे, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार की शांति सद्भाव आप सभी लोगों के उसमें बना रहेगा, ऐसा हम लोग। कल हमारा अयोध्या प्रक्रम के ऊपर एक अच्छा फैसला आया जिसे सभी समुदाय ने स्वीकार किया और एक शांति की मिसाल कायम करके दी। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि गोगांव इतना अच्छा होगा और उस कसौटी के ऊपर एक हम लोग गोगांव प्रॉपर गोगांव के लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि यहाँ शांति और अमन कायम है। इसके लिए यहाँ के जितने पुलिस प्रशासन लोग, पत्रकार लोग हैं, हमारे गांव के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, आम जनता है, सभी समुदाय के जितने भी लोग हैं, इन्होंने अच्छा सहयोग करा और अमन चैन यहाँ पर बना रहे हमेशा। इसके लिए प्रशासन ने जो एक उत्सुकता लाई कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और कैसे यहाँ पर एडवाइस करके आगे लाना चाहिए ग्राम लोगों के बीच में, आज जैसे फ्लैग मार्च किया तो पुलिस प्रशासन नहीं था, उन्होंने आम जनता को लेकर पूरे गांव में एक शांति मार्च निकाला। और शांति मार्च हमारे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, थाने के लोग थे, आप पत्रकार महोदय थे, सभी थे, उसमें सहयोग किया। समन्वय समिति के जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने सब ने सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दे। आपका सुनना दिलीप कुमार सिंह गोगांव की जनता को, गोगांव वासियों का धन्यवाद जो इतने बड़े सुनने के बाद बहुत शानदार उन्होंने किया और काम किया। और आज जैसे कि मिलादुन नबी का त्यौहार भी है और सद्भावना पूर्वक मनाया जा रहा है, इसके लिए गोगांव की जनता को और सबको आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रशासन पिछले एक महीने से बड़े मुद्दे और गांव गांव और हम सबका समय में स्थापित किया और उस समय में की वजह से ही हम सब अमन और आपका सुनना हारी तैयारी कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।